समस्तीपुर जिले के सैदपुर में श्री राम जानकी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कलश शोभा यात्रा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आयोजन समिति के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या दिवसीय कार्यक्रम है। तीन दिवसीय कार्यक्रम है। आज क्या हो रहा है? कलश यात्रा निकला है। ये कहाँ से कहाँ तक निकला है कलश यात्रा? सैदपुर ठकुरबाड़ी से लेके बूढ़ी गंडक नदी के, ये जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, ये कौन सा जगह है? सैदपुर बूढ़ी गंडक। कितनी कुमारी कन्याएं शामिल हैं जगह में? 251। 251। कितना दिनों तक कार्यक्रम चलेगा? तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। और ये कौन सा जगह पर कार्यक्रम हो रहा है? ये सैदपुर ठकुरबाड़ी। ठकुरबाड़ी पर कितना पुराना ठकुरबाड़ी है? ये हमारे जन्म से पहले का, 80 से ऊपर का है, अभी नया बना है। तो अभी इस मंदिर में कौन से प्रतिमा का स्थापना किया गया है? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सीता जी। राम लक्ष्मण सीता की प्रतिमा स्थापना किया जा रहा है और इसको लेकर के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिवसीय यह कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत कलश शोभा यात्रा से की गई है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सैदपुर में हम खड़े हैं, जहाँ पर कलश यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जल बोझी किया जा रहा है। तो मंदिर के बारे में बताइए कि क्या ऐतिहासिक महत्व है? ये हमारे पूर्वज से चला आ रहा है जी। तीन दिवसीय कार्यक्रम है, जो प्रतिमा लाई गई है वो कहाँ से लाई गई है? ये यही पुराना मंदिर था, उनमें इनका प्राण प्रतिष्ठा उन्नय में शिफ्ट करेंगे। नया मंदिर बनाया गया है। आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार पांडे। राम जानकी का हो रहा जी, भगवान सब का स्थापना हुआ। कौन कौन भगवान की प्रतिमा स्थापित किए गए? सर कौन कौन? लक्ष्मण जी, सीता जी, भोला बाबा। नए मंदिर बनाए गए हैं, प्रतिमा भी नया है। पहले आगे से था पुराना, नया पीछे बना दिया गया, आगे वाला कुछ करना दिया गया। और ये सारा योगदान सच्चिदानंद पांडे के यहाँ जा रहा है, उन्हीं के सौजन से बना है। उन्हीं के सौजन। आपका क्या परिचय हुआ? तो सरपंच राकेश कुमार पांडे। पुराना ठाकुरबाड़ी है और यहाँ जो है सो नव निर्माण किया जा रहा है मंदिर का, और नए प्रतिमाओं का पुनर्स्थापन किया जा रहा है, और जिसको लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। श्रद्धा भक्ति के माहौल के बीच जो कलश यात्री यहाँ पहुँचे हैं और यज्ञ आयोजन को सफल बनाने में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया गया है और प्रतिमाओं का पुनर्स्थापन किया जा रहा है, जिसको लेकर के श्रद्धालु लगातार लगे हुए हैं। मुख्य यजमान हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। यह मंदिर बहुत पुराना है, 100 वर्ष पहले से यह मंदिर चला आ रहा है जी। और यह नया मंदिर नया निर्माण हुआ है और वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेते हुए सर्वजन हिताय इसका निर्माण हुआ है, और सब लोगों को आशीर्वाद भगवान की कृपा से मिलता रहे, यह हम लोगों की कामना है। किस मंदिर का पुनर्स्थापन हुआ है, कहाँ पर है? ठकुरबाड़ी है, सैदपुर में ठकुरबाड़ी है, पुरातन है, 100 साल से पहले से ठकुरबाड़ी स्थापित है और उस समय से बराबर पूजा पाठ होता रहा है। आज तक नया निर्माण हुआ है, जो पुराना मंदिर हो गया जिसे नया निर्माण किया गया। तो नया जो प्रतिमा स्थापित की गई है, किन किन भगवान की प्रतिमा? सब माने राम दरबार है जी, राधा कृष्ण है, इसके बाद गणेश जी है, शिव जी है, शिवलिंग है, और हनुमान जी है, और समझिए कि काली जी है, सरस्वती है, गणेश है, मतलब सारे भगवान। तो क्या दिवसीय कार्यक्रम है? यह तीन दिवसीय कार्यक्रम। तीन दिवसीय। आपका क्या परिचय हुआ? जी मैं इसी गांव का वासी हूँ, मेरा नाम अरविंद पांडे है जी। तो सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है? जी हाँ, सब मैंने सब लोगों का, हर जाति हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। तो देख पा रहे हैं कि अरविंद जी थे और मुख्य यजमान की भूमिका में सभी तमाम जो ग्रामीण है उनका यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। तमाम लोगों के सहयोग से यहाँ ठाकुरबाड़ी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों का जो है सहयोग मिल पा रहा है। कितनी छोटी छोटी कुमारी कन्याएं भी इस कलश यात्रा में सहयोगी बनी हैं और कितने उत्साह के साथ पहुंची हैं माँ स्वरूप या कुमारी कन्याएं, पूरे श्रद्धा एवं भक्ति के माहौल के बीच ठाकुरबाड़ी में जो नव देवी देवताओं के प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें तल्लीन होने के लिए, उसमें तल्लीन होने के लिए, श्रद्धा और उत्साह को बढ़ाने के लिए तमाम छोटी कन्याएं यहाँ नदी के तट पर पहुंची हैं कलश में जलबोझी करने के लिए और पुनः अपने साथ कलश लेकर के यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे। कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आपको दिखाएं कि तमाम जो 251 कलश यात्री हैं उसमें ज्यादातर छोटी छोटी कन्याएं शामिल की गई हैं। कहाँ से आए आप लोग? ये कहाँ से कलश शोभा यात्रा निकल के आया है? कितने कुमारी कन्याएं हैं इसमें? 251। आपका क्या नाम हुआ? ये जो ठाकुरबाड़ी है उसका क्या महत्व है, कितना पुराना मंदिर है? बहुत ही हमारे पूर्वज से चले आ रहे हैं जी, हमारे पूर्वज से ये मंदिर चले आ रहे हैं, ये दोबारा स्थापना हो रहा है, मतलब पहले से माँ जानकी का है लेकिन दोबारा से स्थापना हो। आज कलश शोभा यात्रा निकला। तो आपके साथ में जो कितनी कन्याएं शामिल हो रही है इसमें? 251
251 सभी सैदपुर से ही हैं या आसपास के गांवों से? आसपास के गांवों से भी है लेकिन मेरे से तो ज्यादातर सैदपुर गांव से कुमारी कन्याएं शामिल हुई हैं। 251 की संख्या में है। तमाम आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि कुमारी कन्याएं लगातार श्रद्धा भक्ति के बीच हैं। कलश लेके पहुंची है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, जो तट है सैदपुर का तट है, यहाँ पर जो है तो कलश बोझी कराया जा रहा है। पंडित जो है तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल बोझे कराएंगे और यहाँ से पुनः कुमारी कन्याएं पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगी और वहाँ पर फिर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तमाम 251 की संख्या में जो कलश है उनका पुनर्स्थापन कराया जाएगा। और 3 दिवसीय जो यहाँ पर श्रद्धा भक्ति के बीच कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का, उसकी शुरुआत हो जाएगी। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, समस्तीपुर बिहार।